हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं रात में ऐसे कौन कौन से फ्लावर होते हैं जिनकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? ये सुंदर फूलों वाले पौधे इतने ज़्यादा एरोमेटिक होते हैं कि इनकी खुशबू की चर्चा हमारे पड़ोसियों तक भी होने लगती है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है रात में सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाले फूलों वाले पौधे। और ये पौधे जो हैं एवरग्रीन होते हैं, 12 महीने हमारे गार्डन में बने होते हैं और अपने सीजन टाइम में ये फ्लावरिंग भी करते हैं। तो परमानेंट प्लांट हैं जो रात में बहुत ज़्यादा खुशबू देते हैं, साथ ही साथ दिन में भी इनकी खुशबू बिखरी होती है हमारे गार्डन में। नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, नाइट क्वीन या रात की रानी फूल एक अलग ही किस्म का फूल है जो केवल रात के समय ही खिलता है और सुगंध देता है। रात रानी के फूल भारत के साथ साथ बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों में भी पाए जाते हैं। अगर आप अपने घर पर रात की रानी का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इसे गमले या गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। हल्के सफ़ेद रंगों में गुच्छों में रात रानी के फ्लावर खिलते हैं। साथ ही ये पौधे झाड़ी के रूप में बढ़ते हैं। इसके बूशी शर्ब होते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही अट्रैक्टिव नहीं होते बल्कि इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। रात रानी की खुशबू इतनी तेज होती है कि अपने आसपास के घरों में और दूर दूर तक अपनी खुशबू से ये भर देते हैं। ये है परिजात का पौधा जिसे हर सिंघार के नाम से भी जानते हैं। परिजात के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। हम बता दें कि अगस्त से नवंबर के महीने में दिखने वाला यह फूल हर जगह अपनी सुगंध बिखेर देते हैं। परिजात के फूल रात में बहुत अच्छी सुगंध देते हैं। सुबह होते ही यह नीचे गिर जाते हैं। इन्हें अपने आसपास, अपने घर पर गमले या ग्रो बैग में भी आसानी से लगा सकते हैं। अच्छी खुशबू के साथ ही परिजात में कई सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं तथा हिंदू धर्म में भी इन फूलों का धार्मिक महत्व होता है। ये है चंपा के फूल जिसे प्लूमेरिया भी कहा जाता है। चंपा के फूल वैसे दिन में भी काफ़ी अच्छी खुशबू देते हैं लेकिन रात में इनकी खुशबू बढ़ जाती है। चंपा के फूल का नाम भी रात में खुशबू देने वाले फूल के पौधों की लिस्ट में आता है। चंपा के पौधे भी सालों भर हमारे गार्डन में बने होते हैं। चंपा जो होते हैं ये गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। साथ ही इनके फूलों के रंग जो होते हैं हल्के पीले, गुलाबी और सफ़ेद रंगों में पाए जाते हैं। चंपा के फूल दिन और रात दोनों समय खुशबू देते हैं और ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगते हैं। गर्मी के मौसम में खिलते हैं। चंपा के पौधों को हम अपने घर के गमले में, ग्रो बैग में या फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं। इनके पौधे हमारे गार्डन में सालों भर बने रहेंगे। हैवी ब्लूमर वाले ये पौधे होते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होते हैं, साथ में बहुत अच्छी खुशबू भी देते हैं। इसमें भी कई सारे वैरायटी होती है फ्लावर की। बोटैनिकल गार्डन के लिए चंपा के पौधे काफ़ी परफेक्ट हैं। सन लविंग प्लांट होते हैं। ये है सप्तपर्णी के फूल जो गुच्छों में आते हैं। सप्तपर्णी भी रात में खुशबू देने वाले फूलों के पौधों में से एक हैं। सप्तपर्णी एवरग्रीन प्लांट होते हैं जिसमें विंटर में अक्टूबर से दिसंबर तक ब्लूमिंग होती है। छोटे छोटे से अट्रैक्टिव वाइट कलर के और ग्रीन में इनकी फ्लावरिंग होती है। यह जो प्लांट होते हैं हिमालयी क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। इसके फूलों की खुशबू भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। सप्तपर्णी को इंग्लिश में एल्स्टोनिया कहते हैं। इसे डेविल ट्री, स्कॉलर ट्री, ब्लैकबोर्ड ट्री भी कहते हैं। इनके वुड से स्कूल में जो ब्लैकबोर्ड होते हैं वो बनाए जाते हैं। साथ ही वेस्टर्न इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये जो है डेविल ट्री है क्योंकि इसमें एविल स्पिरिट्स पाए जाते हैं। ये है मोगरा के पौधे जिसके फूल सफ़ेद रंगों में होते हैं और काफ़ी सुगंधित और खूबसूरत होते हैं। मोगरे के पौधे को हम गमले में या ग्रो बैग की मिट्टी में, फील्ड में भी आसानी से लगा सकते हैं। मोगरे का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक रूप में भी किया जाता है। मोगरा भी सालों भर हमारे गार्डन में बने होते हैं। परमानेंट पौधे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग स्प्रिंग टू समर सीजन बहुत अच्छी होती है। गुच्छों में इनके फ्लावर आते हैं और अपने आसपास खुशबू से भर देते हैं। ये है जूही फ्लावर जो इंडिया में प्रायः हर घर में काफ़ी पॉपुलर है। जूही के फ्लावर रेनी सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं। ये खूबसूरत से छोटे छोटे से क्यूट से वाइट कलर के फ्लावर होते हैं जो दिखने में बेहद ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत होते हैं। इनकी जो खुशबू होती है काफ़ी मन को मोहने वाली होती है। भीनी भीनी खुशबू वाले ये फ्लावर होते हैं जिनके वाइंस भी होते हैं और तभी इसे लोग अपने घर के गार्डन में लगाना काफ़ी पसंद भी करते हैं।
कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि जूही और जैस्मिन एक होते हैं, लेकिन जूही जैस्मिन की वैरायटी है, बट दोनों ही डिफरेंट होते हैं। दोस्तों, जब भी रात में खुशबू देने वाले फूलों की बात होती है तो चमेली का नाम जरूर आता है। बता दें कि चमेली का फूल वाइट रंग में छोटे छोटे, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत होते हैं। अगर हमें अपने गार्डन या टेरिस गार्डन की खूबसूरती बढ़ाना है तो हम चमेली के पौधे को लगा सकते हैं। जैस्मिन फ्लावर डे और नाइट दोनों टाइम ही अपनी शार्प फ्रेग्रेंस से पूरे ही माहौल को खुशबू से महका देते हैं, और इसके फूल जो होते हैं एक दिन के लिए ही खिलते हैं, सुबह होते ही या नीचे जमीन पर बिछे हुए दिखाई देते हैं। मधुमालती, जिसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं, ये वाइन्स होते हैं जो सालों भर गार्डन में बने होते हैं। वैसे इनके फ्लावर गुच्छों में आते हैं और रंग बिरंगे होते हैं। गुच्छों में ही अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं और इनमें भिनी भिनी खुशबू भी आती है। ये फ्लावर भी हैवी ब्लूमर वाले होते हैं, पूरे पौधों को अपने फूलों से और गुच्छों से भर देते हैं। साथ ही इनकी खासियत है कि ये कलर भी चेंज करते हैं अलग अलग टाइम में। इनके फ्लावर के रंग भी अलग अलग होते हैं और इनकी जो खुशबू होती है वो भी घटते और बढ़ते रहती है। ये धतूरा के फूल है, जिसे एंजल ट्रम्पेट भी कहते हैं। शाम होते होते ही इनमें भीनी भीनी खुशबू आने लगती है और ये फ्लावर पूरी तरह से खिल जाते हैं। धतूरे के फूल भी रात में अपनी खुशबू से वातावरण को महका देते हैं। धतूरे के पौधे के फल और फूल भी भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धतूरा के फूल देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये पॉइजनस भी होते हैं। इसलिए हमें अपने बगीचे में लगाना है तो बिल्कुल एक अलग कॉर्नर में इसे रखना है और बच्चों से दूर भी रखना है। फ्रेंड्स, नाइट में खुशबू देने वाले पौधों में से ये है मिराबिल जलपा, जिसे हम कमोनली फोर ओ क्लॉक और मार्वल ऑफ पेरू के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट जो होते हैं इवनिंग में ही खिलते हैं, जैसा कि इसका नाम भी है फोर ओ क्लॉक, और पूरे रात भर इसमें फ्लावरिंग हुई रहती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही सनराइज होती है, ये फ्लावर जो होते हैं फेड हो जाते हैं, फिर इवनिंग में इसमें हैवी ब्लूमिंग हो जाती है। पूरे पौधों को ये भर जाते हैं अपने फूलों से। फूलों के रंग जो होते हैं गुलाबी, लाल और पीले रंगों में प्रायः पाए जाते हैं। अब तो इनकी वेरिएटेड वैरायटी भी आ रही है और इनको ग्रो करना भी बहुत आसान है। इनके सीड से हम इनको ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड भी जैसे ही फ्लावर फेड होते हैं, बिल्कुल उसके पास ही ये सीड हमें मिल जाते हैं। ये प्लांट जो होते हैं झाड़ी नुमा होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा शर्ब होती है और ये एवरग्रीन होते हैं, सालों भर हमारे गार्डन में बने भी होते हैं, काफ़ी शुभ भी होते हैं ये प्लांट। तो हमें अपने गार्डन में इसे एक प्लांट को जरूर ऐड करना चाहिए जो शाम को खुशबू भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है 1 to 10 फ्लावरिंग प्लांट जो अपनी खुशबू से पूरे माहौल को, अपने आसपास के वातावरण को खुशबू से भर देते हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स भी आता है, और ये 12 महीने हमारे गार्डन में बने भी रहते हैं। सो आई होप कि आज की यूज़फुल वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।